राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में चांदा क्लब मैदान पर हिंदी के शब्दों में सियावर रामचंद्र की जय के आकार में हजारों दिए जलाए गए। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ ही उनके परिवार के सदस्यों ने पूजा की और शनिवार देर रात को दिए जलाए। यह कार्यक्रम चांदा क्लब मैदान पर आयोजित किया गया, जहाँ सोमवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जश्न मनाने के लिए कई भगवा ध्वज लगाए गए। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सार्वजनिक वाचनालय ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जहाँ आतिशबाजी भी की गई। पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने इस भक्ति उत्सव के माध्यम से चंद्रपुर का नाम सात सागर पार एक अलग अंदाज में पहुंचाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चांदा क्लब मैदान में 100 वर्ग फीट जगह पर सियावर रामचंद्र की जय के 11 अक्षरों वाले मंत्र का जाप दीपों द्वारा साकार किया, जहाँ लगभग 30,000 दीयों का उपयोग किया गया था, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाने वाला है। जिसके विषय में प्रतिक्रिया देते हुए वन एवं सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि लगभग 495 साल के कड़े संघर्ष के बाद रामलला अयोध्या में आ रही है, जो काफी खुशी की बात है। जहां उन्होंने बताया कि मैंने कार सिवा दी है और मेरी शादी के फूलों से सजे बोर्ड पर भी मंदिर वही बनाएंगे, इन वाक्यों में लिखा हुआ था, और हमें खुशी है कि रामलला के मंदिर के लिए चंद्रपुर से कार जा रहा है, यह काफी खुशी की बात है। साथ ही उन्होंने खुशी जाहिर की कि इस उपक्रम में सभी समाज की महिला भगिनियों ने यहाँ पर दिए जलाए हैं। की कार सेवे मध्ये मी गेलो होतो, माझा जेव्हा विवाह झाला तेव्हा सुगग्नाच्या मागचा जे बोर्ड होता फुगांचा, मंदिर यही बनाएंगे हा बोर्ड होता, आणि माझ्यासाठी आयुष्याचा आनंदाचा क्षण आहे। 496 वर्षाच्या प्रभू रामाच्या या जन्मस्थानावर भव्य मंदिर व्हावं, प्राणप्रतिष्ठा व्हावी हा संकल्प आणि स्वप्न घेऊन हजारो लाखो रामभक्तांनी आपल्या प्राणाची आहुती रामाच्या चरणी समर्पित केली। विश्वगौरव देशनायक युगपुरुष नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात आज हजारो साधू संत लाखो कारसेवक आपल्या देशाची आस्था आपल्या देशाची अस्मिता प्रभु राम आज अपन भव्य मंदिर करतो है। भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होते है। एक गोष्ट खरी है कि चंद्रपुरकर महाराष्ट्र की जनता सौभाग्यशाली है कि या मंदिराचा प्रत्येक गर्भगृहापासून जे द्वार असेल महाद्वार असेल त्यासाठी या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वीरभूमीतून माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी, माननीय उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांच्या नेतृत्वामध्ये वनविभागाने चंद्रपूरहून काष्ट पाठवलं, आणि मग आठवतं तेव्हा काष्ट पाठवताना जे आम्हाला चंपत राय जे या मंदिराचे सचिव आहे त्यांनी एवढं सुंदर पत्र लिहिलं की हे जगातलं उत्तम लाकूड आहे, काष्ट आहे, जे हजार वर्ष टिकेल। आता याच मंदिराची जी आस्था आहे, आमचं जे नातं आहे, त्या नात्याला एक रामसेवा समर्पित करण्यासाठी आज ही राम ज्योतीचा यज्ञ आम्ही केला, जो गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये हा पहिला रेकॉर्ड होणार आहे। आणि आता आम्ही अटेम्प्ट केला, हा प्रयत्न केला, आता प्रभु राम या प्रयत्नाला उद्याची वाट आहे की प्रभु रामाचा आशीर्वाद प्राप्त व्हावा। राम सेविकांनी हा उत्सव केला, पहिली ज्योत आमच्या वाल्मिकी समाजाच्या बहिणींनी प्रज्वलित केली, दुसरी रामज्योत केवट समाजाच्या बहिणींनी प्रज्वलित केली, तिसरी रामज्योत एका आमच्या मुस्लिम या देशात रामाची आस्था मनात घेऊन काम करणाऱ्या शानभाईंनी प्रज्वलित केली, अनुसूचित जातीची बहीण असेल, अनुसूचित जमातीची बहीण असेल, आमची शीख बहीण असेल, जैन बहीण असेल, यांनी या ज्योती प्रज्वलित केल्या। आणि आज माझी धर्मपत्नी आणि मी स्वतः या कार्यक्रमात प्रभु रामाची भक्ती आणि रामज्योत ही सेवा समर्पित करण्यासाठी इथं आलो आहे। प्रभु रामानी महाराष्ट्राला भरभरून आशीर्वाद द्यावा। मी तर प्रभु रामाच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करतो, जेव्हाही गर्भगृहातून प्रभु रामा मा सीते बंधू लक्ष्मणा सेवक हनुमाना जेव्हा कोणी भक्त येईल तेव्हा या महाद्वारातून जेव्हा येईल तेव्हा महाराष्ट्रावर मात्र तू आशीर्वाद दे, आमच्या महाराष्ट्राच्या जनतेला सुखी कर, संपन्न करण्याचा आशीर्वाद दे, आणि आम्हाला रामराज्य निर्माण करण्याचा जो विश्वगौरव नरेंद्र मोदींचा संकल्प आहे त्यामध्ये
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या वीरभूमीतून सेवा करण्याचा आशीर्वाद दे, हीच ऊर्जा दे, हीच शक्ती। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।